तो यो व्हाट्सअप गाइस, कैसे हो आप सभी लोग। स्वागत करता हूँ आपका इस नए व्लॉग में। तो आज एक कुछ नया जानवर भी आ रहा है अपने पास, मतलब नया डॉग आ रहा है, वो भी दिखाऊंगा। और बाकी अपने जो बाकी के जानवर है वो आपको दिखाता हूँ, मतलब कि जो मैं कुछ पिजन भी लेके आया हूँ, दो पेयर पिजन और लेके आया हूँ और एक अलग से एक पेयर और लेके आया हूँ, तो वो सब भी दिखाता हूँ आपको। और बाकी जो अपने बर्ड्स वगैरह वो भी दिखाऊँगा। और आज अच्छे से मतलब कि पास अलग अलग चेंज कर करके उनके क्वालिटी और सब कुछ दिखाऊंगा कि थोड़ा पास से पता लगे कि क्या क्वालिटी में बच्चे हैं और किस चीज़ कितने सुंदर है और क्या बात है। तो अभी मैं ट्राई कर रहा हूँ, आके आपको दिखाता हूँ थोड़ी देर में कि अपना जो डॉग आ रहा है वो कौन सा है। तो चलिए शुरू करते हैं। तो सुबह की डाइट शुरू कर दी है कुत्तों के लिए, और डाइट में मतलब कि दलिया, दलिए में नमक वगैरह डल गया, और ये जो मुर्गा होता है उसके पंजे हो गए और अंडे हो गए। तो ये तीन चीज़ें अभी जा रही है कुत्तों के लिए। और मतलब कि दलिया में भी और कुछ काफ़ी कुछ डलता है, वो अलग से है, और उसके बाद सारा तैयार होके ये बनता है और इनको खिलाएंगे। और इधर अपने गाय के अभी चिंचड़ वगैरह की स्प्रे करिए, चिंचड़ काफ़ी लगे हुए थे तो इन सब के, ये देखो इसके तो अभी भी नीचे से पानी से टपक रहा है, तो इसके और तीनों अपने गाय के, बच्चे के और बच्चे के, तीनों के अपने गाय की स्प्रे कर दी है ताकि चिंचड़ है वो लगे ना हो और इनको कोई दिक्कत ना हो। और इस बाहर वाली साइड की है ताकि उधर चिंचड़ है वो स्प्रे भी मत फैले और ज़्यादा दिक्कत भी ना आए, क्योंकि उधर उनको रहना और यहाँ पे तो वैसे टेम्परेरी है। ये कह रहे खोल दो बस मुझे, बट अभी नहीं खोलना, इनको रुक के खोलेंगे, वो बच्ची भी वहीं पे है, थोड़ी देर सूख जाए उसके बाद नहला देंगे, फिर खोलेंगे इनको और अपना अंदर कर देंगे। ये लो बच्चा तो पूरा गीला हो रखा है, बाकी और दिखाते हैं आपको। तो सुबह सुबह चल दिए हैं घोड़ी बनाने, सारा काम वो खाना पीना करा के कुत्तों का, और अब घोड़ी के लिए निकल रहे हैं। ये पास ही में काला वाली है, वहाँ पर करवा के लानी है, तो अभी ले कर चलते हैं इसको। और आपको घोड़ा भी दिखाते हैं जाके कि कौन सा घोड़ा है, नुपरा घोड़ा है वैसे इसके जैसा ही है, और बढ़िया मार्किंग का है, मतलब कि पूरा वाइट है इसके, फिर भी मतलब कि ब्लैक स्पॉट्स है बट वो पूरा वाइट है, तो आपको जाके दिखाते हैं। तो काला वाले तो पहुंच चुके हैं और अब घोड़ी को नीचे उतार रहे हैं, और ये घोड़ी मतलब इतनी जल्दी चढ़ जाती है और उतनी ही जल्दी उतर जाती है। अब देखना कि थोड़ा सा इसको ऐसे घुमाएंगे, मतलब रोटेट करेंगे, इतने में इसको उतर जाना है और कोई दिक्कत नहीं आती। और अपना जल्दी से जल्दी ये अपने घोड़े के पास जाना जाती है कि भाई हाँ चलो अब। बाकी घोड़ी भी हमने मूंगा वगैरह लगा के, पिछाड़ी लगा के एक जगह रोक दिया है, और आपको घोड़ा भी दिखाता हूँ। बाकी यहाँ पर काफ़ी घोड़ियाँ हैं और उधर एक बच्चा भी है घोड़ी का, तो ये आ गया घोड़ा, काफ़ी अच्छा घोड़ा है, नुकरा स्पोर्टलेस घोड़ा है और शरीर में काफ़ी अच्छा है। तो अब घोड़ी आपा मेट करवाएंगे इससे। वक्त शाम हो चुकी है और इनका जो चिंचड़ वगैरह रखा था वो ख़त्म हो चुका है, अब तो सही है एकदम, और सूख भी चुकी है और अपना दाना वगैरह खा रही है। बाकी जो अपने जानवर वगैरह काफ़ी बढ़िया सही है एकदम, कोई दिक्कत नहीं है किसी में। बस ये कबूतर का मैं सोच रहा हूँ, पता नहीं कब तक ब्रीडिंग करेंगे, लगेंगे 10-15 दिन। ओ मतलब आपको दिखाई नहीं है, पहले दिखाता हूँ अच्छे से अंदर जाके, मतलब कि थोड़े यहीं से दिखा देता हूँ। ये तो नकाब है अपने जो ब्लैक कलर में है, और ये सेंटिनेंट है, ये भी पेयर है, और एक अपना पेयर है अमेरिकन फैनटेल का जो आपको इस साइड दिख रहे होगा, और एक सिंगल फीमेल जो अपने पास पहले की है वो है शॉर्ट फेस की, ये देखो। और एक चीज़ दिखाता हूँ, ये देखो ये ऐसे कि इनको देखता है, मतलब कि किसी को खतरा लगता है ना तो यहाँ आके। तो ये भी अपने न्यू एंट्री मान लो और कुछ भी मान लो, बट अपना नया डॉग आ चुका है और इसका नाम है जोरो। जोरो डोबरमैन ब्रीड में है, 7 महीने का बच्चा है, और काफ़ी अच्छी हाइट वगैरह, काफ़ी अच्छी टॉप क्वालिटी है, और बहुत अच्छा बच्चा है, मतलब कि शरारती है बट बहुत अच्छा अपना केयर रखता है, और जो अपनी रखवाली वगैरह के लिए काफ़ी अच्छा है। थोड़ा भी ट्रेन करना पड़ेगा कि अपने जो मुर्गी वगैरह उनके खोलें तो ये खाए ना, अभी खतरा है, अभी पता नहीं खा जाए, क्योंकि बच्चा है अभी, इसको इतना पता नहीं है, और ऐसे इन्वायरमेंट में रहा भी नहीं है कि जहाँ पर ये ओपन, मतलब कि मुर्गी वगैरह हो, ओपन में तो रहा है बट मुर्गे वगैरह नहीं थे, तो इसलिए। बाकी ये देखो अपनी
बच्चा और बच्ची फुल पेट भर रखा है और भी खा रहे हैं, ये खाते रहेंगे। केसर को देख लो वहाँ पे, वो खड़ी केसर अपना घास वगैरह खा रही है। उससे पहले ये दिखा देता हूँ कितने हो रखे हैं, ये 15 हो रखे हैं अभी, पता नहीं हो रही, एक आधा एक और कोई बच्चा आ गया है तो आ गया होगा, बट इतना पता नहीं है। और जो अपनी इधर घोड़ियाँ हैं इनको नीरा डल रहा है, बंधन नीरा लेके आ चुका है और सुबह सफाई की थी, बट इतनी देर में एकदम फ़ोन स्विच ऑफ हो गया था और तो इसलिए दोबारा मतलब कि इनको इतनी देर में नीरा डाल दिया। और ये केसर भी यहाँ आ चुकी है, तो इसका मतलब इसके लिए नीरा तो दूसरी थान में डलता है, क्योंकि अभी यहाँ पहुँचती है नहीं इतना, मतलब कि देखना अभी ट्राई, मतलब यहाँ खाती भी नहीं है, उधर बाहर ही खाती है अपना। तो इनका भी दाना है ना स्टार्ट करेंगे अब अच्छा सा, ताकि ये और जो अपना उधर वाला बच्चा है वो दोनों तैयार हो जाए। और बाकी ये तो अपना नीरा खाती रहती है और इनका दाना आज आ जाएगा। दाना ख़त्म हो गया था, 3-4 दिन से ख़त्म हो रखा था, तो डाला भी नहीं उस वजह से। और अब इसका शुरू कर देंगे दाना वगैरह और फिर ये भी अपनी घोड़ियाँ सारी तैयार हो जाएगी, मतलब लगभग तैयार है, बट थोड़ा बहुत है ये पता नहीं किसकी, खाली इसने खाती रहती है पागल से। बाकी जो अपना यहाँ का है ये थोड़ा मैं सेटअप चेंज करके, जो क्योंकि ये ना वुडन का है तो टूट जाता है, अच्छे से लोहे का फ्रेम तैयार करा के सब कुछ करेंगे। पानी भी ख़त्म हो रखा है तो पानी भी डालते हैं, चलाई देते हैं, पानी भी चल गया ये भर जाएगा। और बाकी अपना ये यहाँ पे सारा सुंदर तैयार करने का अब टाइम आ चुका है, क्योंकि थोड़ा रिकग्नाइज होने लगा है फार्म भी, और मतलब कि फॉलोअर वगैरह भी और मतलब कि सब्सक्राइबर वगैरह भी बड़ी आ रहे हैं। नहीं खा पा रही है वैसे, ये पहुँच रही है, खा भी रही है, हाँ फिर कोई दिक्कत नहीं है। बाकी अपने जो टर्की की फीमेल है वो के लिए मेल मुझे मिला नहीं अभी तक, मेल मिल जाए तो बढ़िया रहेगा। और ये मुर्गियाँ तो है ही है, ये खरगोश घास खा रही है, ये आपको दिखा दिए, ये भी दिखा दिए। और जो अपनी डग्स है उनका ये बंधन, एक काम कर इनको पानी रख, इनको हाँ इसमें पानी रख दे, हाँ इसमें वो नीचे कम पीती है इसमें रख दे, तो इनका थोड़ा ये है कि यहाँ पे पानी डाल दे तो ठीक रहेगा। तो ये इसका शेड निकाल दिया और यहाँ पे रख दिया है इसकी सफाई करने के लिए। तो इसमें 1, 2, 3, 4, 5 बच्चे हैं, 2 ये रे 2 वो रे और 1 वो रहा। तो इसकी सफाई करके एक बार इनको बाहर रख के फिर दोबारा अंदर रख देंगे। अभी तक इतना निकला है और इतना ही मतलब इससे ज़्यादा ही बाकी है, ये सारा निकलेगा उसके बाद सफाई होगी, फिर ये ऊपर रखेंगे और उसके बाद देखो कि इसको कब तक तैयार करना है। मतलब कि मैं सोच रहा हूँ यहाँ पे सारे पे ना केज वगैरह तैयार करके ना जाली लगा के बड़ी, और जो अपने पिजन्स का लॉफ्ट है वो यहीं तैयार कर देंगे। और तो डॉग्स वगैरह को मैंने एक बार बांध दिया था, कोई गेस्ट आ रखे थे तो इतने अंधेरा भी हो चुका है, तो सभी को मैंने ना एक बार बांध रखा है, बस इसको छोड़ रखा है खुला, ये घूम लेता अपना और इसको कोई दिक्कत भी नहीं है। तो बाकियों को मैंने बांध दिया था और ये तीनों के, ये एलेक्सा बैठी तो कोई दिक्कत नहीं है। बाकी आपको एक चीज़ नहीं दिखाई मैंने, रात का जो व्यू है अपने फार्म का वो नहीं दिखाया, तो वो देखो केज यहाँ से साफ दिख रहे हैं और मतलब कितना मतलब कि सुंदर लग रहा है, दूर से आते हैं तब तो बहुत अच्छा लगता है। तो ये रहा, तो आज मैं वो केज है मतलब कि पास से दिखाऊंगा तो उससे आपको थोड़ा पता लगेगा, क्योंकि मैंने वो लाइट है ना अभी लेके आया था तो अभी लगवाई है कुछ दिन पहले, तो वो दिखाई भी नहीं, तो आज आपको दिखाते हैं सारे। तो ये रहे अपने सारे जानवर, ये देखो रात को ये लुक आती है, इतनी सुंदर लुक आती है मतलब कि हद से ज़्यादा, सारे केज एकदम बढ़िया तरीके से दिखते हैं कि क्या जानवर अंदर है क्या नहीं। ये टर्की हो गई, ये देसी अपने 2 ऊपर है 2 नीचे हैं, और ये अपने खरगोश सुबह दिखते नहीं बट इस टाइम निकलना शुरू हो जाते हैं, और ये रहे अपने कबूतर, और इनका जोड़ा पता नहीं कब तक लगेगा, जल्दी लग गया तो ठीक है। और ये चकोर, बाकी ये 4 केज खाली है, कुछ दिनों में इनको भी भर देंगे। और यहाँ पे अपना बच्चा और बच्ची, वो देखो रंगीली वहाँ से निकल के देख रही है, पता नहीं क्या देख रही है। और बाकी इधर गाय होगी, और बाकी अपने जो डक्स है उनके ऊपर लाइट लगाई नहीं है, जल्दी वो भी करेंगे, यहाँ पे भी लाइट लगवा देंगे। और उधर है ही वो थोड़े मतलब कि केज तैयार करने हैं, तो वो जल्दी से हो जाएंगे उस दिन देखते हैं। बाकी आपको
और अपडेट अभी देता हूँ क्योंकि आज थोड़ा छोटा भी है व्लॉग मेरे को लगता है, बाकी आइडिया नहीं है मुझे कितने बना लिया कितना नहीं, बट धीरे धीरे सारा दिखाएंगे। तो रात तो हो चुकी है, काफ़ी लेट भी हो चुके हैं और कुत्तों वगैरह को अभी जस्ट खाना खिलाया था और अब थोड़ा उनको घुमा के मैं जस्ट आया था कि जानवर एक बार लास्ट बार संभाल लूं और उसके बाद इनकी लाइट ऑफ कर दूंगा क्योंकि रात को ये इसको भी सोना होता है सभी जानवरों को और लाइट भी ऑफ करनी थी। तो एक बार लास्ट मैं फिर दिखाना चलो अब क्या है, अब बस मतलब कि व्लॉग का एंड ही कर रहा हूँ। आज थोड़ा छोटा व्लॉग बना बट अपना ऐसे है कि कोई नहीं, तो इसी के साथ मिलते हैं नए व्लॉग में, नई शुरुआत।